तो हमने पिछले लेक्चर में ये किया था, ये साइलेंट वर्ड ये थे और ब्लैंक्स ये थे, ये मैच कॉलम ये थे और ये कॉज अफेक्ट ये थे और रीडिंग का कुछ पैसेज किया था और क्वेश्चन आंसर्स किया था, ठीक है। तो आज जो है हम ये एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की, राइट एस आफ्टर ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज सेंटेंस एंड राइट एन एस इफ इट इज नॉट अ सेंटेंस। अब हमने जो एस है वो सेंटेंस पे लगाना है और एन एस नॉट सेंटेंस पे लगाना है, मीन्स एन एस इस लिए हो रहा है एन नो के लिए, नॉट के लिए, और एस सेंटेंस के लिए और एस सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं, दे वर अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स, ये पूरा एक सेंटेंस है तो इसमें हम एस लिखेंगे। टाइम बिफोर इस्लाम, इसमें हम एन एस लिखेंगे क्योंकि ये एक कुछ भी नहीं है, इसमें हमें कोई वजाहत नहीं की हुई, कोई वजह नहीं, कोई कॉज नहीं दिया हुआ हमें, जैसे इसमें दिया हुआ है दे वर अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स मीन्स कि वो अपने पड़ोसियों से डरते थे, और इसमें ये इस्लाम से पहले का वक्त, इसमें कोई हमें कोई चीज़ नहीं करने के लिए, कोई वजाहत करने के लिए कोई चीज़ नहीं दी, ठीक है। तो ये सेंटेंस नहीं है, इसमें हम क्या लिखेंगे, नॉट सेंटेंस। बरी देयर न्यूली बॉर्न डॉटर्स अलाइव, अब ये एक सेंटेंस है कि वो अपनी पैदा हुई नई पैदा हुई हुई डॉटर्स को, मतलब कि नई पैदा हुई बेटियों को जला देते, जिंदा दफन कर देते थे। तो अब ये क्या है, सेंटेंस है पूरा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एस एस लिखेंगे। द अरब वर्शिप्ड आइडल्स, जो अरब थे वो बुतों की पूजा करते थे, ये भी पूरा सेंटेंस है, इसमें भी हम पूरा सेंटेंस एस लिखेंगे। इस्लाम टॉट लव एंड पीस, और ये भी हमें पता ही है कि ये भी सेंटेंस है कि इस्लाम हमें अमन और प्यार सिखाता है, अमन और प्यार का सबक देता है, तो ये भी सेंटेंस है। अब आ जाता है काइंड ऑफ सेंटेंस, इसमें आ जाता है डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप लोग देखें क्या है, माई फ्रेंड आर वेटिंग फॉर मी। अब डिक्लेरेटिव जो है स्टेटमेंट होती है, सिंपल स्टेटमेंट विद एंड अ फुल स्टॉप, ठीक है। और इंटरोगेटिव क्या होता है, आर यू हैप्पी टू